हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों में सोयाबीन के भाव 20 अगस्त 2020 को क्या देखने को मिली है। मतलब दोस्तों कल शाम के जितने भी अपडेट आए हैं सोयाबीन के, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा बकवास ना करते हुए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें दोस्तों। यहाँ पे अगर आ गई भावों की बात दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों तेज़ी अभी नेक्स्ट मतलब यहाँ पे कम से कम 45 दिन के अंदर तो होनी ही चाहिए कुछ सरकार का जो जानकारी के जो अभी न्यूज में आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों आज के मंडियों में जानेंगे क्या भाव रहे हैं सोयाबीन के पूरी डिटेल में, ठीक है। तो अहमदनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पे 2200 से लेकर दोस्तों 2900 का भाव देखने को मिले है सोयाबीन में। आवक दोस्तों यहाँ पे 18 कुंटल देखने को रही है, ठीक दोस्तों। परवड़ी मंडी की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 3500 से लेकर दोस्तों 3625 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 50 कुंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में सिन्नर मंडी में, जो कि 2300 से लेकर दोस्तों यहाँ पे 3660 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 70 कुंटल देखने को रही है। करंजा मंडी की बात करूँ तो 3355 रुपये से लेकर दोस्तों 3620 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 400 कुंटल देखने को रही है। कलम उस्मानाबाद मंडी की बात करूँ तो यहाँ पे 2700 से लेकर दोस्तों 3641 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 148 कुंटल देखने को रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मोर्शी मंडी की बात करूँ तो यहाँ पे 3250 रुपये से लेकर दोस्तों 3690 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 80 कुंटल देखने को नहीं है। धूले मंडी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 3100 से लेकर दोस्तों 3170 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 10 कुंटल देखने को रही है। कोपरगाँव मंडी की बात करूँ तो 2900 से लेकर दोस्तों 3675 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 46 कुंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में महकर मंडी में, जो कि यहाँ पे 3500 से लेकर दोस्तों 3700 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 260 कुंटल देखने को रही है, ठीक है दोस्तों। अकोला मंडी की बात करूँ तो 3310 रुपये से लेकर दोस्तों 4600 का भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों यहाँ पे 365 कुंटल देखने को रही है। तो सबसे ज़्यादा ये मंडी में रेट देखने को रही है दोस्तों। लातूर मंडी की बात करूँ तो 3300 से लेकर 3720 का भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों यहाँ पे 150 कुंटल देखने को रही है। यवतमाल मंडी की बात करूँ तो 3200 से लेकर दोस्तों 3630 का भाव देखने को मिले। आवक दोस्तों यहाँ पे 50 कुंटल देखने को रही है। अकोट मंडी की बात करूँ तो 3200 से लेकर दोस्तों 3530 का भाव देखने को मिले। आवक दोस्तों यहाँ पे 215 कुंटल देखने को रही है, ठीक है दोस्तों। चिखली मंडी की बात करूँ तो 3300 से लेकर दोस्तों 3630 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 85 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे हिंगड़घाट मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 2800 से लेकर दोस्तों 3690 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 200 कुंटल देखने को रही है। बोकर मंडी की बात करूँ 3379 रुपये से लेकर दोस्तों 3559 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 23 कुंटल देखने को रही है। बात करेंगे मलकापुर मंडी में, जो कि 2800 से लेकर दोस्तों 3630 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 210 कुंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में जामखेड़ मंडी में, जो कि 3210 रुपये से लेकर दोस्तों 3470 का भाव देखने को मिले। आवक दोस्तों यहाँ पे 55 कुंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में दोस्तों मानवत मंडी में, जो कि 3200 से लेकर दोस्तों 3600 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 55 कुंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में दोस्तों चांदूर बाजार मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 3200 से लेकर 3660 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 187 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे देवल गोवराजा मंडी में, जो कि दोस्तों 3100 से लेकर दोस्तों 3500 का भाव देखने को मिली है सोयाबीन में। आवक दोस्तों यहाँ पे 55 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं किले धरूर मंडी में, जो कि दोस्तों 3000 से लेकर 3390 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 50 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं निलंगा मंडी में, जो कि दोस्तों 3200 से लेकर 3630 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 70 कुंटल देखने को रही है। चाकुर मंडी की बात करूँ तो 3200 से लेकर दोस्तों 3750 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 60 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों और सांजनी मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 3400 से लेकर दोस्तों 3520 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 50 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं उमरागा मंडी में, जो कि दोस्तों 3250 रुपये से लेकर दोस्तों 3501 रुपये का भाव देखने को मिले। आवक दोस्तों यहाँ पे 18 कुंटल देखने को रही है। बात करेंगे नादगांव मंडी में, जो कि 3200 से लेकर दोस्तों
3650 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूं दोस्तों तो आवक यहाँ पे 100 क्विंटल देखने को नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट में नंदूरा मंडी में जो कि 3100 से लेकर दोस्तों 3551 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 25 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं दोस्तों बाबुलगांव मंडी में जो कि 3000 से लेकर दोस्तों 3695 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 70 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे काटोल मंडी में जो कि 2800 से लेकर दोस्तों 3676 का भाव देखने को मिले। आवक दोस्तों 230 क्विंटल देखने को रही है। तो दोस्तों ये थी आज के महाराष्ट्र मंडियों के पूरी मंडियों के सोयाबीन के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और जानकारी का लाभ उठा सके। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अकोला मंडी में जो कि 4600 रुपये देखने को रहे हैं। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।